हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो अपना फिजिक्स बोल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अर्थात डायनेमिक ऑफ मोशन, डायनेमिक्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में क्या अंतर है? तो बड़ा सरल सा सिंपल सा अंतर है। क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को एनालिसिस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसकी उसकी वेलोसिटी को पढ़ते हैं, उसका एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, उसका पोजिशन पढ़ते हैं। लेकिन जब हमने मोशन को एनालिसिस किया है वहां पर, तो उस मोशन का कॉज हमने नहीं देखा, किसकी वजह से वो मोशन आ रहा है उस बॉडी को, क्यों वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके बारे में ना पढ़ते हुए, उसके कॉज को कंसीडर ना करते हुए, केवल और केवल हमने प्योरली उसके मोशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था काइनेमेटिक्स। इसलिए उसे वो जो मोशन का जो कॉज है उसको ना लेते हुए प्योरली मोशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर आप मोशन के कॉज को भी अगर कंसीडर करते हुए, अगर मोशन को अगर समझने की कोशिश करते हो, तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक्स, राइट? तो हम हमारे सिलेबस में ये चैप्टर को डायनेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी जाना जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम डायनेमिक्स में। सो बिफोर गोइंग इन टू डीपर इन टू दिस चैप्टर, मैं आपको थोड़ा सा इस डायनेमिक्स से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड कुछ इतिहास बताना चाहूंगा। बड़ा रोचक इतिहास है। वो कहते हैं ना कि कुछ भी हम आज अगर कोई चीज हम परफेक्टली कर पा रहे हैं, कुछ चीज को अगर हम परफेक्टली समझ पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि पहले दिन से आपको इसको परफेक्टली ही आपको पता है। हो सकता है उस चीज को समझते समझते आपने बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपके माइंड में रहे होंगे, बहुत सारी गलतियां की होगी आपने, उस गलतियों से आपने सीखा होगा, और उस गलतियों से सीखी हुई चीज, अपनी गलतियों को करेक्ट करते करते आपने जो भी आज सीखा, जो भी परफेक्शन पाया है, वो उसका मूल कारण है गलतियां। गलतियां की अपनी, गलतियों से सीखा आपने, गलतियों को दूर किया, और आज जो भी है आपका परफेक्शन आया है। तो मोशन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो क्या गलतियां हुई थी इतिहास में, इसे अगर मुझे समझना है तो मुझे लगभग आज से 2500 साल पहले जाना पड़े, बिफोर क्राइस्ट। 300 सेंचुरी की बात मैं अभी करने जा रहा हूं। बिफोर क्राइस्ट 300 सेंचुरी में एक महान फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर के मूल कारण जिसे हम बोल सकते हैं, अरिस्टोटल का जन्म। तो अरिस्टोटल एक ऐसे व्यक्ति थे, उन गिने चुने कुछ फिलोसोफर्स में अरिस्टोटल भी एक ऐसे फिलोसोफर थे कि जिन्होंने कोई भी जो चीज है, जो दिखती थी, उसे डायरेक्टली कोई भगवान का रूप या कुछ कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट बोल के ना कंसीडर करते हुए, ऑब्जर्वेशन के जरिए उसका मैकेनिज्म, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की थी। कई ग्रीक के फिलोसोफर थे, बहुत सारे लोगों ने ये इस बात को रिफ्यूज किया। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी चीज को देख लीजिएगा, सन को देखो, सब लोग सूर्य भगवान नमस्कार करते, चंद्रमा को देखो, भगवान के रूप में लेते थे, वायु को देखो, अग्नि को देखो, हर चीज को, जो हर चीज जो टेरिस्टियल है, जिसे हम भगवान का दर्जा देते थे और उसकी पूजा करते थे। हिंदू माइथोलॉजी में भी ये आप देख सकते हो। तो ये ग्रीक के कुछ फिलोसोफर थे जिन्होंने इस बात को इस तरह से एक्सेप्ट करना नामंजूर समझा, उसको इस तरह से एक्सेप्ट करना उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कोशिश की कि एग्जैक्टली है अर्थ, धरती को धरती माँ बोलने से पहले धरती किस चीज से बनी होगी, उसका शेप क्या होगा, उसका मोशन कैसा होगा, इस तरह से लॉजिकली सोचना चालू किया, और उस सोच से ही साइंस डेवलप हुआ आगे जाकर, और आज जो भी हम टेक्नोलॉजी के जो मजे ले रहे हैं, वहां से जन्मे हुए साइंस और उसकी जो जर्नी अभी तक की हुई है, उस साइंस के बदौलत ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और उस टेक्नोलॉजी के सहारे से मैं आप तक बात कर पा रहा हूं। तो देखते हैं कि अरिस्टोटल की क्या मिस्टेक्स रही है, राइट? तो देखिए, अरिस्टोटल जो थे उनके कुछ मिसकंसेप्शन ये थे कि उनका पहला मिसकंसेप्शन ये था कि उन्होंने ये मान लिया था कि उस टाइम में एक थ्योरी हुआ करती थी यूनिवर्स की कंस्टिट्यूशन को लेके। तब टॉलेमी नाम के एक फिलोसोफर ने एक बात कही थी कि सारा जो संसार है ना, इस पूरे संसार का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो अर्थ है, बाकी के सारे स्टार्स, सन, प्लैनेट, जो बाकी के सारे जो चीजें हैं, वो अर्थ के अबाउट में नहीं थी। और अरिस्टोटल ने भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली इस बात पे विश्वास किया था उन्होंने, राइट? और उनका कहना यह था
कि ये जो संसार जो बना है, ये जो नेचर जो बना है, ये जो यूनिवर्स जो बना है, तो किस चीज से बना हुआ है। उससे पहले, अरिस्टोटल से ही पहले, अगर उनसे भी पहले की अगर मैं बात करूं, तो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद ने कुछ बोल दिया था, शायद वो बातें उनको नहीं पता होगी। तो महर्षि कनाद ने कहा था कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी द्रव्य राशि है, जो भी कोई भी जो मैटर है, वो छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे अणु और रेणु से बना है। अणु रेणु का सिद्धांत हमारे फिलोसफी में देखने को मिलता है महर्षि कनाद के द्वारा। वही उसी फिलोसफी को, उसी अणु रेणु के सिद्धांत को एक यूरोपियन फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्रेटस, उन्होंने भी एटम से ही कुछ, ये जो संसार बना है, इस एटम से बना, हर चीज एटम से बनी हुई है, इस बात के बारे में, इस बात को प्रपोज उन्होंने किया था। लेकिन अरिस्टोटल ने इस डेमोक्रेटस की ये जो बात थी, शायद अरिस्टोटल को इतनी पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि ये बकवास है। डेमोक्रेटस ने जो भी बोला कि छोटे छोटे पार्टिकल से ये कोई भी मैटर बना है, ये जो बात है ये बकवास है, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत रखा लोगों के सामने। तो उन्होंने कहा कि जो भी मैटर होता है इस संसार में, जो भी मैटर है, वो जो है चार चीजों से बना है। एक है अर्थ, अर्थ एक फंडामेंटल एलिमेंट लिया उन्होंने। दूसरी बात है वाटर, वाटर को भी फंडामेंटल एलिमेंट लिया, राइट। और उसके बाद फायर, उसके बाद उन्होंने बोला एयर। अर्थ, वाटर, फायर और एयर, ये चार फंडामेंटल चीजों से सारा का सारा जो संसार है वो बना हुआ है, ठीक है। तो फिर उनके कुछ मिसकंसेप्शन ये रहे हैं मोशन को लेके। तो उन्होंने एक तो ये सबसे बड़ा उनका ये था कि जो भी है अर्थ, वाटर, फायर और एयर, हम हिंदू माइथोलॉजी में भी देख सकते हैं कि पांच तत्वों की बात होती है ना, धरती, पानी, आकाश, सॉरी हवा और आग, और आकाश भी कहते हैं शायद पंच तत्व, ये चार है। पांचवा तत्व अगर कुछ बोलूंगा तो आकाश। और इन वेस्टर्न फिलोसफी में पांचवा तत्व जो था उनका, इन्होंने ईथर बोला था। खैर हम इस ईथर की बात नहीं करेंगे अभी। तो ये चार तत्वों से पूरा का पूरा मैटर बना हुआ, इनका सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन, उनको जो भी लगा होगा उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये कह दिया था। और दूसरी बात है उनकी कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में, कंटिन्यूसली मूवमेंट में रखना है, मोशन में रखना है, तो उन्होंने कहा था कि उसको, उसके ऊपर मान लीजिएगा कोई भी आपके पास एक बैग है, सैंड का बैग है, और जमीन के ऊपर आप उसे रखे हो, आपको जब भी सैंड के बैग को मूव करवाना है, इस सैंड के बैग को आप मूव करवाना चाहते हो, तो यकीनन उसको जब तक आपको मूव करवाना है तब तक इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। जब तक आपको उसको मूव करवाना है तब तक आपको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स आपने इसके ऊपर का हटा दिया तो ये मूव करना रुक जाता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन हम कई बार देखते हैं। आप घर पर भी मान लीजिएगा किसी राइस का बैग है या फिर गेहूं का बैग है, तो जनरली हम एक जगह से जब दूसरे जगह पे रखते हैं, तो जब हम उसको पुश करते हैं, जब तक हम पुश करते हैं, पुल करते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, तब तक ये मूव करता है। जैसे आपने उसके ऊपर का फोर्स हटा दिया तो वो मूव करना बंद कर देता है। तो शायद यही वजह रही होगी, यही ऑब्जर्वेशन रहा होगा अरिस्टोटल का। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में सस्टेन रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में सस्टेन रखना है, तो लगातार उसके ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, पुल और पुश उसको करते रहना पड़ेगा। जब तक आप पुल पुश करोगे तो तब तक वो मूव करते रहेगा, जब फोर्स आप हटा दोगे तो उसका मोशन भी रुक जाएगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, शायद उनको ये बात का ख्याल नहीं होगा कि नीचे कोई और एक फोर्स लगता होगा, आपको इसके खिलाफ में आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि नीचे फ्रिक्शन होता है सर, फ्रिक्शन इसकी गति को रोकता है, उसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना, मोशन को कंटिन्यूअसली रखने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ये आज हम जानते हैं। लेकिन उस टाइम में अरिस्टोटल इस बात से अनजान थे कि फ्रिक्शन कोई फोर्स लगता होगा, इस आदमी को इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में खींचना पड़ता है, इस बात से वो अनजान थे। और इसलिए उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोमेंट में रखना है, मोशन में कंटिन्यूसली रखना है, तो भाई साहब आपको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स हटा दोगे तो मूव नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दो तो वो कौन से स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देंगे तो वो केवल और केवल स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि मूव करवाना है तो फोर्स की जरूरत है। फ्रीली छोड़ दोगे वो उसको अपने मर्जी से छोड़ दोगे,
अपनी मर्जी से स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना ज्यादा पसंद करेगा। मूव करवाने तो फोर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि फोर्स लगा रहे हो मतलब वो फ्री नहीं हो, आप उसको स्पॉन्टेनियसली नहीं आप रुक रहने दे रहे हो, उसके आप उसका मोशन को स्टिमुलेट कर रहे हो। स्टिमुलेट करना है आपको तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स नहीं लगा दिया फ्रीली छोड़ दिया तो वो सबसे ज्यादा पसंद क्या करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना पसंद करेगा। तो उन्होंने कहा कि जो नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन नहीं है। स्टेट ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट नेचुरली नहीं रह सकता, स्पॉन्टेनियसली नहीं रह सकता, स्टिमुलेट करने के बाद ही स्टेट ऑफ मोशन में रह सकता। तो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो नेचुरल स्टेट नहीं है, नेचुरल स्टेट केवल और केवल स्टेट ऑफ रेस्ट ही है। ये इनका दूसरा मिस्टेक था जो आज हमको समझ में आता है। अब देखो तो फिर उनका तीसरा मिस्टेक क्या था कि भाई साहब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो वो जिस चीज से बना हुआ है, जैसे अर्थ से बना है, उनका कोई उसका उनका कहना है कि अर्थ जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है इन चीजों से अर्थ से बना हुआ है, अगर उसको आप ऊपर लेके जाके छोड़ देते हो तो वो जिस चीज से बना हुआ है ना उस चीज की तरफ आके रुक जाना, स्टेट ऑफ रेस्ट में आके आके रहने को पसंद करता है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचुरल स्टेट जो है स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाओ उसके मर्जी के खिलाफ लेके जा रहे हो जब ऊपर लेके जा रहे हो, क्योंकि उसका वो धरती से बना हुआ है, धरती इज अ चीज, उन्होंने एक एलिमेंट माना धरती को, धरती से बना हुआ है ऑब्जेक्ट और वो धरती पे रहना ज्यादा पसंद करेगा। अगर उसके मन के खिलाफ में, उस ऑब्जेक्ट के मर्जी के खिलाफ में अगर आपने स्टिमुलेट करके उसको ऊपर लेके गए तो फोर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि फोर्स के बिना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, उसको मूव करवाना है तो फोर्स की आवश्यकता होगी। अगर वहां से छोड़ दिया तो उन्होंने कहा वहां से छोड़ दिया ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना हुआ होता है ना उस चीज की तरफ अपनी मर्जी से जाने की कोशिश करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर आप ये मान लीजिएगा ये अर्थ है, ये अर्थ है और एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाओ, ये भी अर्थ से बना हुआ है, इसको यहां से छोड़ दो तो उसको अर्थ से बहुत ज्यादा प्यार है क्योंकि अर्थ के मटेरियल से बना हुआ है ये, तो ये स्पॉन्टेनियसली नेचुरली अपने नेचुरल स्टेट कौन सी होगी उसकी, यहां पे आके रुक जाना, तो इसको यहां से छोड़ दे तो अपनी नेचुरल स्टेट है ना, नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट को पाने के लिए ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट को पाने के लिए ऊपर से छोड़ो तो अपनी नेचुरल स्टेट क्या होगी उसकी, रुक जाना धरती पे आके, धरती जिस चीज से वो बना हुआ है उस चीज पर आके रुक जाना, तो नेचुरल स्टेट उसकी ये होगी कि धरती के ऊपर आके रुकना है। तो इसलिए यहां से कहीं से भी आप छोड़ो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पत्थर को, तो धरती पर आके रुक जाएगा क्योंकि धरती पे आके रुकना ही उसका नेचुरल स्टेट है, तो नेचुरल स्टेट को गेन करने के लिए वो यहाँ आके रुक जाएगा। तो ये था। फिर कुछ लोगों ने बोला पानी को लेके जाओ तो पानी भी संबंध ये धरती से, धरती के ऊपर से एलिमेंट से ही पानी बना, ऊपर लेके जाओ तो पानी नीचे आएगा। उसी तरह से अगर हवा को अगर आप छोड़ दोगे, मान लीजिएगा एयर है, बहुत लो डेंसिटी वाली को भी एयर है, अगर हम इस एयर को किसी बलून में भर के लाएंगे और छोड़ देंगे तो एयर किस चीज से, उस बलून के अंदर जो भी मटेरियल है वो किस चीज से बना हुआ, एयर, और एयर का स्वभाव क्या है, एयर कहाँ होती है, ऊपर, इसलिए एयर को आप रिलीज कर दो तो एयर जो है, गैस जो है उस बलून के अंदर की एयर में जाके मिक्सअप होगी, ऊपर चली जाएगी। इस तरह की उनकी फिलॉसफी थी मोशंस को लेके। तो फिर उनको किसी ने पूछ लिया ये सब तो ठीक है अरिस्टोटल साहब, ये सब तो आपका सब सही है, मान लेते हैं कि, लेकिन अगर मान लो किसी पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे हो, किसी पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे हो, किसी पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे हो या फिर किसी पत्थर को पैराबोलिकली फेंक रहे हो, इस तरह से आप फेंक रहे हो, या फिर पत्थर को क्यों, कोई अगर आपने धनुष्य बाण से बाण चला दिया, तीर चला दिया और ये बाण या तीर जो है इस तरह से जा रहा है तो फिर उसके ऊपर तो किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा, उस वक्त ग्रेविटेशन का किसी को भी पता नहीं था, एक तीर तो मारी हमने यहां से, तो फिर इसका मोशन कैसे सस्टेन है, इसके ऊपर तो कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, देन हाउ द बॉल आर ऑब्जेक्ट आर जो एरो है, जो क्या बोले धनुष्य बाण है, वो कैसे जा पा रहा है हवा में। तो फिर उन्होंने फिर इसके ऊपर एक थियरी लगाई, भाई साहब क्या होता होगा कि जब यहां से जब ये अर्चर जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें से जब गुजरता होगा ना तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं, हमेशा मूव कर रहे हैं, तो एयर 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 जो है ना यहाँ का ये एयर इस पत्थर को अपने टारगेट की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, ये एयर जो है यहाँ का ये एयर जो है इसको इस ऑब्जेक्ट को अपने टारगेट की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये भी सबसे बड़ा ब्लंडर था अरिस्टोटल का मोशन को लेके, ये स्वयं नहीं जाता है, उनका कहना है कि स्वयं नहीं जाता है ये जो है ना इसके अंदर एयर, ये एयर इसे अपने टारगेट की तरफ लेके जाता है। तो फिर किसी ने पूछा ठीक है एयर है इसलिए जा रहा है, तो किसी ने बोला अगर हमने मान लो ऐसी जगह पे पत्थर को डाल दिया, मूव करवा दिया,
जहां पर वैक्यूम है, कोई मटेरियल एयर भी नहीं है वहां पे, तो ऐसे जगह पे इसको अगर हम फेंक देंगे तो क्या वो फिर रुक जाएगा, क्या वो सेल्फ सस्टेन नहीं होगा उसका मोशन? तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा कोई जगह ही नहीं होगा कि जहां पर एयर नहीं होगा, ऐसा एब्सोल्यूट वैक्यूम कभी एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो ये सारी बातें अरिस्टोटल की थी। इसके अलावा अरिस्टोटल ने और एक बात क्या बोली थी कि अगर दो अलग अलग वेट वाले ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग वेट है, फॉर एग्जांपल एक भारी ऑब्जेक्ट है और एक हल्का ऑब्जेक्ट है ना, एक भारी ऑब्जेक्ट है और एक हल्का ऑब्जेक्ट है, अगर उसको अगर हम सेम हाइट से अगर छोड़ देते हैं तो ये भारी वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले पहुंचना चाहिए और हल्का वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में पहुंचना चाहिए, इस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम एयर का रेजिस्टेंस अगर इग्नोर कर देते हैं तो सेम हाइट से अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दो आप तो सेम टाइम पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनका मास कुछ मैटर नहीं करता, उनको सर्टेन हाइट से नीचे आने में जो लगने वाला टाइम है उसके ऊपर इनका मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन ऐसे रहे अरिस्टोटल के कि उन्होंने कहा कि दो अलग अलग मास वाले या वेट वाले या दो अलग अलग डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को अगर आप सेम हाइट से छोड़ोगे तो उनको जमीन तक पहुंचने में, सेम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में जो भी वक्त लगने वाला है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, हेवियर ऑब्जेक्ट ले पहले पहुंचता है, हल्का ऑब्जेक्ट बाद में पहुंचता है। ये भी उनका सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। ये वो वक्त था जहां पर अरिस्टोटल को बहुत ज्ञानी माना जाता, ऑफकोर्स वो ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, उनके खिलाफ में कोई नहीं जाता था। कुछ लोगों को ये चीजें बहुत अटपटी सी लगती थी, डाइजेस्ट नहीं होती थी, ये सब क्या बकवास की बातें बता दी अरिस्टोटल ने, लेकिन विरोध कोई नहीं कर पाता था उनका, जो जिसने भी विरोध करने की कोशिश की लोग उसी का विरोध करते थे। तो ये तो आप किसी के फॉलोअर बन जाते हो तो उसकी गलतियां भी आपको कभी गलतियां नजर नहीं आती है, शायद यही कारण हो। तो अरिस्टोटल का भी इसी तरह से कोई भी विरोध नहीं कर पाता, इक्के दुक्के कोई लोगों ने अगर विरोध किया भी होगा लेकिन उनके सपोर्टर इतने ज्यादा थे कि वो विरोध करने वाले लोगों का भी विरोध करते थे। तो ये बात चलती रही। तो फिर आगे क्या हुआ कि मेरे ख्याल से 6th century आफ्टर जीसस क्राइस्ट यानी एनी डोमिनो 6th century में एक फिलोसोफर आए, उनका नाम था जॉन फिलोपोनस, नाम भी बड़े खतरनाक थे, जॉन फिलोपोनस। ये फिलोसोफर ने क्या कहा कि इनको ये अरिस्टोटल की जो बात थी वो अटपटी सी लगी। यार अरिस्टोटल ने जो भी बोला ना वो बहुत 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 मतलब बकवास सी बात है, ऐसा नहीं होता है कि जब ऑब्जेक्ट को अगर आपने फेंका, इस तरह से अगर आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो एयर इसके मोशन को सस्टेन नहीं करता है, एयर उसको मूव नहीं करवाता है, वो गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा। उन्होंने वो देखिए अब परसेप्शन हमारा किधर बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि फेंकने वाले ने ही कुछ इसको इंपार्ट किया, फेंकने वाले ने जिसने भी इसको फेंका होगा पत्थर को, फेंकने वाले ने यहां पर फेंकते समय ही उसको प्रोजेक्ट करते समय ही कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी इंपार्ट की, उस इंपार्टेड चीज की वजह से ही इसका मोशन शायद कंटिन्यूएशन में रहता होगा। इस तरह का अजम्पशन पहली बार जॉन फिलोपोनस ने किया, वो भी 6th century में, लगभग आप देख सकते हो 900 साल के बाद, अरिस्टोटल के 900 साल के बाद किसी ने ये बात कह दी, लेकिन इनका तब भी विरोध बहुत स्ट्रांगली किया लोगों ने। आप अरिस्टोटल के अगेंस्ट में जा कैसे सकते हो, आपकी हिम्मत कैसे होगी? लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ना कहीं हमारा इशारा देखिए कैसे किया कि यहां पर फोर्स नहीं लग रहा, मान लो फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही इसको मूव करवाने में, हालांकि उल्टा इनको ये लगा कि कुछ ना कुछ जो चीज है यहीं से उसको मिलती है, फेंकने वाले ने कोई ना कोई चीज इसको दी है, उसी के कारण ये ऑब्जेक्ट है ना मूव कर पा रहा है ना, बल्कि जैसे अरिस्टोटल ने बोला वैसा नहीं है, एयर की वजह से नहीं मूव कर रहा, एयर की वजह से मूव नहीं कर रहा, किसी ने यहां से फेंका, फेंकते टाइम ही इसको कुछ ना कुछ दिया, उसी चीज की वजह से ये आगे बढ़ पा रहा है। इस तरह का इशारा मॉडर्न साइंसेस की तरफ इशारा जॉन फिलोपोनस ने 6th century में किया, और उन्होंने उस चीज को क्या बोला, यहां पे जो इंपार्ट हुई ना इस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को उन्होंने बोला इम्पेटस। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसी इम्पेटस को हम बोलते हैं इम्पेटस। इसी मॉडर्न वर्ल्ड में आज इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं।
लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो यहां पर एक चीज इसको मिलती है, उसी के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है आगे बढ़ता है। शायद इसकी स्पेलिंग गलत है, आई डोंट नो, आई होता है ई होता है। तो इसके कारण उस इम्पेटस जो है वो इसके मोशन को सस्टेन करवाता है, ना कि एयर सस्टेन नहीं करवाता, इम्पेटस सस्टेन करवाता। लेकिन इनके भी कुछ मिसकंसेप्शन रहे कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो इम्पेटस जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, ये सेल्फ क्या बोलेंगे उसको, थोड़ी देर के बाद ये इम्पेटस खत्म हो जाता है और ऑब्जेक्ट रुक जाता है। इन्होंने ये भी कहा कि इम्पेटस के लिए एयर की जरूरत नहीं है, अगर वैक्यूम में भी अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो वो इम्पेटस खत्म हो जाता है और ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ये इनकी थोड़ी सी गलत सी अंडरस्टैंडिंग रही इम्पेटस को लेके। तो फिर भी इनका विरोध हुआ, क्योंकि अरिस्टोटल से तो उन्होंने बेहतर चीज बताई, उसके बावजूद भी इनका विरोध हुआ जॉन फिलोपनस का। फिर कुछ सालों के बाद मेरे ख्याल से 14th सेंचुरी में जीन उनका नाम ब्यूरिडन नाम था शायद, जीन ब्यूरिडन नाम के कोई फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा ये जो इम्पेटस है ये यकीनन उस ऑब्जेक्ट का वेट और उसकी स्पीड का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है और वेट पे भी डिपेंड करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट भारी अगर है तो वो ज्यादा देर तक सस्टेन रखता है अपने अपने मोशन को, और ज्यादा स्पीड से फेंको तो ज्यादा देर तक सस्टेन करता है उसका मतलब। इसका जो इम्पेटस है, जिसे फिलोपनस ने जो बोली बात इम्पेटस को लेकर, वो जो चीज है वो शायद स्पीड और उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता होगा, ऐसा कहा जॉन ब्यूरिडन ने, राइट। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक गलती इनसे हुई है, किनसे, अपने जॉन फिलोपनस से। वो क्या थी कि ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने, वो शायद सेल्फ डिकेइंग कहा था उन्होंने, मोमेंटम खत्म, सॉरी इम्पेटस जो है खत्म हो जाता है कुछ समय के बाद, ये शायद उनकी गलती थी। और इन्होंने इसको क्या करेक्ट किया, वो जो इम्पेटस जो है वेट और स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो जो चीज है वो सेल्फ सस्टेनिंग होगी और वो अपने आप खत्म नहीं करेगी उसको, जब तक वो, जब जा रहा होगा ऐसे जैसे हवा में से जब जा रहा होगा तो एयर के पार्टिकल उसको अरेस्ट कर रहे होंगे या फिर उसका वेट उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, तो कोई और रोकेगा तो ये शायद उसका इम्पेटस खत्म होता है, उसका मोशन भी खत्म होता है। सेल्फ सस्टेनिंग होता है इम्पेटस, वो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग नहीं होता है, वो कोई और एयर के पार्टिकल की वजह से या फिर उसके वेट की वजह से, कोई अन्य फोर्सेस की वजह से इम्पेटस खत्म होता है, उसकी वजह से उसका मोशन खत्म हो सकता है। लेकिन इम्पेटस जो है सेल्फ सस्टेनिंग होता है, वो खुद को डिके नहीं करता है, इस बात का इन्होंने जिक्र किया। बाद में डेकार्टस ने भी कहा, डेकार्ट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिन्होंने इन्वेंट की थी, उन्होंने भी कहा कि ये जो इम्पेटस जो है वो सकता है साइज और स्पीड का प्रोडक्ट होगा, साइज और स्पीड का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उनके हिसाब से अभी साइज मास वेट इसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था उनको, तो उन्होंने कहा साइज और स्पीड का प्रोडक्ट होगा। और उन्होंने ये भी बोला ये जो इम्पेटस जो है किसी भी मोशन के दौरान कोई और अन्य कोई फोर्सेस नहीं लग रहे उसके ऊपर, तो ये जो इम्पेटस ये जो चीज है राइट, कोई अन्य फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, कोई और चीजें उसके ऊपर नहीं लग रहे, तो ये मोशन के दौरान कॉन्स्टेंट रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बोला दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन विच रिमेन्स कंजर्व, राइट, वो ऐसी क्वांटिटी है जो मोशन के दौरान कंजर्व होती है अंटिल एंड अनलेस कोई और एयर रेजिस्टेंस या कोई अन्य फोर्सेस जब तक इसके ऊपर नहीं लगते, वो जो क्वांटिटी है इम्पेटस वो बदलेगी नहीं, वो मोशन के दौरान कंजर्व होता है। शायद यही नोशन यहीं से डेवलप हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता, उस मोमेंटम को हम इम्पेटस बोल रहे हैं। शायद थोड़ा मॉडिफाई होकर बाद में मोमेंटम बना हो, लेकिन उसी चीज को एलिमेंटरली हम क्या बोल रहे हैं, इम्पेटस बोल रहे हैं। इनका डेकार्टस का कहना है कि वो साइज और स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, हालांकि गलत है वो, लेकिन उनको ये फील होता था कि ये जो चीज है वो मोशन के दौरान कंजर्व रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं बदल सकता। हाँ, यदि अगर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा या उसका कोई अन्य फोर्सेस का इफेक्ट अगर आता होगा तो ही वो चेंज होगा, तो चीज को उन्होंने इम्पेटस कहा। उसके बाद तो इस तरह से देखिए मोशन कहां से कहां आया, अरिस्टोटल के जमाने से हम अभी 14th सेंचुरी तक आए कि मोशन को लेके किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की। पहले तो ये कहा गया कि मोशन सस्टेन रखना है तो फोर्स लगना चाहिए, फिर बाद में अभी हमें ये पता चल रहा है कि मोशन सस्टेन रहना है तो कोई इम्पेटस नाम की कोई भी एक चीज होती है जो इम्पार्ट की जाती है
जब फेंकने वाला उसको वो इम्पेटस नाम की एक क्वांटिटी इम्पार्ट करता है और वो क्वांटिटी कोई और फोर्सेस नहीं लगती है तो कंजर्व होती है और उस क्वांटिटी के कारण ही ऑब्जेक्ट मोशन में सस्टेन रह सकता है, ये बात हमको पता चली। तो ये भी अभी पूरी तरह से हमारी समझ या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी मोशन को लेकर अभी भी सही नहीं हुई थी। तो ये सारी बातों को सही करने के लिए मेरे ख्याल से 16th सेंचुरी में, 16th और 17th सेंचुरी का कुछ पार्ट, 16th सेंचुरी का उत्तरायण और 17th सेंचुरी का पहला जो पहले 50 साल के पहले का जो पार्ट, जो इन समय का जो कार्यकाल रहा, इस समय में 16th सेंचुरी में गैलीलियो ने जन्म लिया और गैलीलियो ने इस मोशन का जो प्रस्पेक्टिव है वो सारा बदल रखा और साइंस की दुनिया में एक नया उदय हुआ। और उसके बाद जो बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल साइंस या मॉडर्न साइंसेस की तरफ हमारा जो प्रस्पेक्टिव है वो डेवलप होने लगा। उस चीज का पूरा अगर सही जाता है कि साइंस का जो, या फिर हम बोलेंगे कि फिजिक्स का ही अगर बात करेंगे, फिजिक्स का अगर कोई शुरुआत हुई सही मायने में, अगर फिजिक्स को समझने की अगर शुरुआत हुई तो वो गैलीलियो से हुई, राइट। तो इसलिए तो गैलीलियो को कहा जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के फादर तो हम आइंस्टाइन को ही बोलेंगे हमेशा। लेकिन आइंस्टाइन के, आपको ताजुब होगा कि आइंस्टाइन की भी बहुत सारी बातें गैलीलियो ने किए हुए वर्क के ऊपर ही डिपेंड है, न्यूटन ने किए हुए वर्क के ऊपर ही आगे बढ़ी, राइट। तो गैलीलियो ने फिर किस तरह से इन चीजों को समझा, गैलीलियो ने किस तरह से मोशन का जो दृष्टिकोण है हमारा मोशन की तरफ देखने का वो किस तरह से हमारा बदला, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सबको ये जो इतिहास है समझ कर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।